स्वागत है दोस्तों हमारे चैनल बैक बेंचर पे। दोस्तों आज हम पीएचडी के बारे में बात करने वाले हैं और सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं आईआईटी गांधीनगर ने पीएचडी एडवर्टाइजमेंट को जारी किया है। तो सबसे पहले हम जाते हैं आईआईटी गांधीनगर को सर्च करते हैं। जब आईआईटी गांधीनगर को आप सर्च करोगे तो आपको ये होम पेज उनका मिलता है और उन्होंने ये बहुत खूबसूरत सा साइट बना के रखा है। आप आईआईटी गांधीनगर जब इसको स्क्रॉल डाउन करोगे तो ये एडवर्टाइजमेंट देके रखा है, पीएचडी एडमिशन प्रोसेस 2022 ओपन नाउ। देन इसे आप क्लिक ऑन करते हो। क्लिक ऑन करने के बाद ये इन्होंने सारे इन्फॉर्मेशन देके रखा है कि कौन कौन से डिपार्टमेंट के लिए इन्होंने ओपनिंग करके रखी हुई है। देखिए 27 मार्च इस एप्लीकेशन फॉर्म का डेडलाइन है और शॉर्ट लिस्टिंग आएगी 5th ऑफ अप्रैल 2021 को और 18 से 14 अप्रैल 2021 तक आपका इंटरव्यू होगा। ओनली ऑनलाइन इंटरव्यू होगा, नो रिटन टेस्ट। तो आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि इस पीएचडी इनरोलमेंट में इनरोल होने का। अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो मिनिमम 5.55 सीपीआई मार्क्स इन एमए एमएससी बीटेक एंड एमटेक फॉर द इक्विवेलेंट डिग्री उन्होंने दे के रखा है। अगर हम एडमिशंस कैटेगरीज की बात करें तो रेगुलर फुल टाइम रेसिडेंट्स रिसर्च कैंडिडेट एंड सीडीपी कंटिन्यूइंग डॉक्टर प्रोग्राम भी आपको दे के रखा है। अगर हम फाइनेंशियल सपोर्ट की बात करें तो उन्होंने स्कॉलरशिप भी देने की बात की है। फर्स्ट 2 ईयर्स आपका 31,000 पर मंथ, उसके बाद आपका 35,000 पर मंथ होगा। अगर हम एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो एडमिशन प्रोसेस ओनली इंटरव्यू बेसिस होकर रखा है। इन्होंने देखे में मेंशन करके ऑफर बेस्ड ऑन द ऑनलाइन इंटरव्यू ओनली। और एप्लीकेशन प्रोसीजर की बात करें तो आपका एप्लीकेशन फी 100 रुपीज फॉर एससी एसटी एंड पीडी कैटेगरी के लिए, 200 रुपीज फॉर द ऑल कैटेगरी के लिए। इन्होंने एप्लीकेशन सबमिशन डेडलाइन 27th of March 2021, अनाउंसमेंट्स ऑफ शॉर्ट लिस्टिंग टेंटेटिव 5th अप्रैल 2021 एंड ऑनलाइन इंटरव्यू 18-14 अप्रैल तक देके रखा है। अगर आप इसे अप्लाई क्लिक करते हैं तो अप्लाई करने के बाद ये आपका एक बैकग्राउंड खुलता है जिसमें नेशनल पीजी एप्लीकेशन और इंटरनेशनल पीजी एप्लीकेशन दिया होगा। सबसे पहले आपको क्लिक करना है नेशनल पीजी एप्लीकेशन के पर। जब आप क्लिक करते हैं तो आपको लॉगिन और रजिस्टर्स के लिए दिएगा। अगर आप रजिस्टर्स पहली बार न्यू यूजर हैं तो आप इसमें लॉगिन कर सकते हैं। तो आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस और कैप्चर पुश करने के बाद आपका ये रजिस्टर हो जाएगा। सपोज मैं पहले से लॉगिन हूं तो मैं इसे लॉगिन करता हूं तो ये मेरा ईमेल आईडी और पासवर्ड दे के रखा है तो ये लॉगिन हो जाएगा। जबकि अब लॉगिन खुलने के बाद ये आपका इंटरफेस खुलता है। इस इंटरफेस में आपको क्या करना होगा, अप्लाई करना होगा। अप्लाई करने के बाद आपको एक अलग से इंटरफेस और खुलेगा जिसमें आपको प्रोग्राम सेलेक्ट करने होंगे, डिसिप्लिन, रिसर्च एरिया, पर्सनल डिटेल, फोटो अदर करना होगा। इसके बाद आपके पास देखिए आपने कोई नेशनल एग्जाम क्लियर किया है कि नहीं उसके बारे में आपको फिलअप करना होगा डिटेल्स। देखिए स्टेटमेंट ऑफ पर्पस बहुत इंपॉर्टेंट है इस पीएचडी सिलेक्शंस क्राइटेरिया के लिए, शॉर्ट लिस्टिंग करने के लिए। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस आपकी मैंडेटरी होगी, आपको ये लिखना होगा स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। गेट मैंडेटरी नहीं है, आप इसके अलावा इंफॉर्मेशन दे सकते हैं जो नेसेसरी डिटेल्स से आपको फिलअप करना होगा और एडमिशन को फॉर्म को सबमिट करना होगा। तो दोस्तों अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।